बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के उस पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज रिलेटेड विद टू डिफरेंट टॉपिक, नंबर वन डिजाइनिंग एंड नंबर टू मैनेजिंग सर्विस प्रोसेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ सर्विसेज मैनेजमेंट। आज द टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज रिलेटेड विद द डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग प्योरली सर्विस प्रोसेस। जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज के प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, इसको हम किस तरह लेके चलेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे प्योरली रिलेटेड विद द प्रोसेसेस के बारे में कि अगर हम हॉस्पिटल का सेटअप देखें तो सर्विसेज किस तरह की होती है, अगर हम स्कूल का सेटअप देखें तो व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज दे ऑफर। तो प्योरली हम डिस्कस करेंगे सर्विसेज मैनेजमेंट को आज के लेक्चर के अंदर। टुडेज लेक्चर इज रिलेटेड विद द कस्टमर सर्विस प्रोसेस को हम देखेंगे, उसके बाद वैल्यू एक्सपीरियंसेस एंड प्रोडक्टिव ऑपरेशंस को देखेंगे, रीडिजाइन को देखेंगे, उसके बाद हम को प्रोड्यूसर को देखेंगे और टेक्नोलॉजीज को स्टडी करेंगे। टेक्नोलॉजीज के अंदर देयर आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, एक हम बात करते हैं LIT और एक बात कर रहे होते हैं KIT। शायद आपने इकोनॉमिक्स में स्टडी किया हो। When we talking about the LIT, जब हम बात करते हैं LIT की, तो LIT के बारे के अंदर हम ये कहते हैं कि LIT वो चीज होती है या LIT वो टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होती क्या है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वो वाली टेक्निक्स होती है जिसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं जो मेथड अंडर डेवलप कंट्रीज चला रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज प्योरली वर्किंग ऑन LIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। तो जितने भी अंडर डेवलप कंट्री है इकोनॉमिक्स के मुताबिक, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, वो यूज क्या करते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। और जो डेवलप कंट्रीज है जितनी भी, वो यूज क्या कर रही होती है? डेवलप कंट्रीज यूज कर रही होती है KIT, कैपिटल। लिखते हम के से हैं लेकिन इसको हम जब कन्वर्ट करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ये कहती है कि वी कैन यूज द डिफरेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जिसके अंदर मशीनरी आ गई। अब पहले हम अगर अंडर डेवलप कंट्री की बात करें तो हम शायद लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के अंदर हम यूज करते थे, क्या चीज को यूज करते थे? एक दफा काश्तकारी होती थी या दो दफा साल में काश्तकारी होती थी। जब हम डेवलप कंट्री की बात करते हैं तो उनकी अगर हम काश्तकारी को स्टडी करें कि वो कैसे करते हैं, तो वो तीन से चार दफा करते। तो देयर आर द डिफरेंशिएट बिटवीन LIT एंड KIT। तो टेक्नोलॉजीज क्योंकि सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी थी, तो उसके अंदर आपको बताना ये जरूरी था कि पाकिस्तान या अंडर डेवलप कंट्री कैन यूजिंग द LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को आज भी यूज कर रहा है, लेकिन एडवांस कंट्रीज की बात करें तो दे कैन टोटली वर्किंग ऑन KIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की वो बात करेगा। ओके, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ सिंगापुर की डायग्राम है, क्योंकि इट कैन बी रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिकल लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इनका सिस्टम है एक। ओके, फ्लो चार्ट की अगर हम बात करते हैं, सर्विस डिलीवरी हेल्प टू क्लेरिफाइज प्रोडक्ट एलिमेंट। मैंने इससे पहले भी बहुत ही डिटेल में आपको ये बात बताई, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द डिलीवरी मैनेजमेंट, जब हम ये बात करते हैं प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, या सर्विसेज की अगर हम फोकस करें, तो हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, हमारे पास कोई ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, हमारे पास कोई अपना डिलीवरी का मेथडोलॉजी होनी चाहिए कि हम क्या कर सके। वी कैन यूज दैट टाइप ऑफ टेक्निक कि हम अपने कस्टमर को टाइमली सर्व कर सके। अगर हम टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे, हम टाइमली डिलीवरी नहीं देंगे, तो हम बेहतर तरीके से नहीं चल सकेंगे। मैंने इसकी आपको एग्जांपल एक कोड करके लास्ट टाइम भी बताई थी। इफ वी टॉकिंग अबाउट द नेस्ले प्रोडक्ट्स गाँव के अंदर भी अवेलेबल है, कोका कोला गाँव के अंदर भी अवेलेबल है। तो बात क्या है, दे कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लो चार्ट रिलेटेड सर्विस डिलीवरी। दूसरी बात, इफ वी टॉकिंग अबाउट कि व्हाट टाइप ऑफ ऑफर्स, तो जब हम ऑफर्स की बात करते हैं तो ऑफर्स इज टोटली रिलेटेड विद द कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। जो भी आप ऑफर निकालते हैं उसको देख कर निकालें। अगर आप मार्केटिंग की कंपेन की बात करें, मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें, स्ट्रेटजी की बात करें, तो हम क्या करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट पास्ट एक्सपीरियंस।
पास्ट एक्सपीरियंस को हम देखते हुए हम ये चीज देखेंगे कि अब हमारे लिए क्या चीज बेनिफिट है। लास्ट टाइम हमने ये इम्प्लीमेंटेशन की थी, ये स्ट्रेटजी निकाली थी, इसका बेनिफिट क्या हुआ। उसके बाद हम ये चीज देखते हैं व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दी कस्टमर इन्वॉल्वमेंट विद सर्विस। जब हम कस्टमर इन्वॉल्वमेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम तीन चीजों पर फोकस करते हैं। एक तो लोगों को हम स्टडी कर रहे होते हैं कि लोगों का प्रोसेसिंग का तरीका क्या है। दूसरी बात हम प्रोसेशन को प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं कि हमने अगर कोई प्रोडक्ट की रीचेबिलिटी बढ़ानी है, कुछ लेके चलना तो किस तरह। तीसरी बात हमारी इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसा हो। तो ये तीन चीजों को हम डिटेल में स्टडी करते हैं इन केस ऑफ फ्लो चार्ट सर्विस डिलीवरी मैनेजमेंट को समझने के लिए। ये तीन चीजों को समझना, लोगों को, प्रोसीजर को, इंफॉर्मेशन को, क्योंकि इसके बगैर हम ये चीज को कंप्लीट नहीं कर पाते। लेट्स सी फ्लो चार्ट हम देखते हैं होटल का। इफ वी टॉकिंग अबाउट द स्टे एट होटल, पार्क कार किया आपने, देन वी कैन गो टू द चेक इन। चेक इन के अंदर आपने क्या किया, स्पेंड नाइट निकालनी है, एक कमरे में रहना, आपने कितनी रात ब्रेकफास्ट प्रिपेयर, आपने ब्रेकफास्ट को देखना, फिर चेकआउट। दिस इज द सिंपल प्रोसीजर। लेकिन इस प्रोसीजर के अंदर हमने अपने रूम्स को रेडी करना है। अगर कोई बंदा चेक इन करने आते तो ये नहीं कि हम उस वक्त सफाई करना शुरू करें, या अगर हमने ब्रेकफास्ट देना है, डिनर देना है, लंच देना है, या कोई फंक्शन की जो है वो अरेंजमेंट है, तो हमें उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोसीजर। तो पहला तो था पीपल प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, दूसरा आ गया पोसेशन प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, रिपेयर आर डीवीडी प्लेयर। अगर हम डीवीडी प्लेयर की बात करें तो आप क्या करेंगे रिपेयर करने के लिए, आप एक स्टोर में जाएंगे, वहां टेक्नीशियन को मिलेंगे, उसे बताएंगे लेकिन आप ये मेरा प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के बाद आप स्टोर कर देंगे, छोड़ देंगे उसको, देखे चीज या मोबाइल को या डीवीडी प्लेयर को, वो देखेगा, देखने के बाद उसको ठीक करेगा, ठीक करने के बाद आपसे पेमेंट लेगा, पेमेंट करने के बाद आपको दे देगा और वो आप लेके आ जाएंगे। तो पहला प्रोसीजर था लोग कैसे करते हैं, दूसरा है पोसेशन कैसे हम लेके सिस्टम को कैसे चलते हैं। अब तीसरा अगर हम सिस्टम को देखें तो तीसरा हमारे पास है क्या करते हैं प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या चीज देखते हैं। अगर हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो वेदर फोरकास्टिंग के अंदर देखें कार्नो टीवी सेलेक्ट चैनल, आप डिफरेंट चैनल है, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट चैनल ऑफ वेदर। उसके अंदर क्या होता है, बता रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं जनाब कि क्या आज वेदर फोरकास्ट आज ये रहेगा, लेकिन उसके पीछे बैकएंड में क्या चल रहा होता है, वेदर का डाटा डिफरेंट टाइप से कलेक्ट हो रहा होता है। कलेक्ट होने के बाद उसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर में एनालिसिस के लिए डाला जाता है कि डिफरेंट डाटा ये आया, इसकी बेस पर ये है। उसके बाद प्रेजेंटेशन को चलाया जाता है। प्रेजेंटेशन के बाद हम क्या चीज देख रहे होते हैं, कंफर्म कर रहे होते हैं वो लोग, हाँ जी अगर ये हो गया तो ये सिचुएशन आ गई तो आपने कैसे क्रिएट करना है, अगर पैनिक सिचुएशन आ गई तो कैसे लेके चलना है। तो ये वेदर फोरकास्टिंग थी। अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर हेल्थ को देखें तो हेल्थ के अंदर क्या होता है, आपके पास यूनिवर्सिटी के अंदर कंपनीज आती हैं, आपको कहती हैं जनाब हमारे पास ये कवरेज है, या आप इफ वी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, तो वहां आपके पास लोग आएंगे कि जनाब हम आदम जी से आए हैं, हम जनाब ये इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं, तकाफुल से आए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसके ऑप्शन को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, लर्न अबाउट ऑप्शन। वो आपको डिफरेंट टाइप जो देंगे अपॉर्चुनिटीज देंगे, जी यूनिवर्सिटी के लेवल पे ये अपॉर्चुनिटीज है, इस लेवल पे ये अपॉर्चुनिटीज है, उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे एक फॉर्म को, एक प्लान को लेके चलेंगे। उसके बाद आप उसकी जो है एक ईयर की पेमेंट होती है, आप उसको पेमेंट करेंगे, आपका इंश्योरेंस का जो है वो कवरेज स्टार्ट हो जाएगी और आपको प्रिंटेड फॉर्म के अंदर क्या दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। तो डिफरेंट टाइप के हमने स्टेप को देखा कि प्रोसेसिंग किस तरह की जाती है, तो डिफरेंट स्टाइल से किस तरह हम इसको लेके चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की सर्विसेज के, की कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्विसेज, सबसे पहली बात हम क्यों बात करते हैं इस चीज को, या हम इस स्ट्रक्चर को क्यों समझते हैं। पहली बात ये होती है कि हम ये देखें, डिफाइन करें स्टैंडर्ड क्या है। हमारे पास एक चीज होती है फ्रंट एंड पे, एक होती है सेकेंड एंड पे या बैक एंड के ऊपर। तो पहले हमने ये चीज को स्टडी करना है कि हमारे स्टैंडर्ड फ्रंट स्टेज के लिए क्या चीज है, उसके बाद हमारे पास क्या कोई फिजिकल एविडेंस है जिसको हम लोगों के दरमियान दिखा सके। अगर एकेडमी है तो हमारे पास फ्रंट डेस्क क्या है, फ्रंट के अंदर जो लोग बैठे होंगे या फ्रंट स्टेज के ऊपर जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होंगी, क्या वो फिजिकल एविडेंस है, ब्रोशर पड़े हैं हमारे को कुछ पड़ा है। उसके बाद हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे प्रिंसिपल कस्टमर एक्शन के, अगर कोई हमसे कम्युनिकेशन करता है तो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, हम उसको कैसे लेके चलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो फ्रंट स्टेज के लोग होंगे वो क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई होगा तो उसे कहेंगे आप विजिट करवा लें, फ्रंट लाइन पर्सनल के पास भेज देंगे कि आप इसको देख लें।
उसके बाद वो विजिबिलिटी को देखेगा और बैक स्टेज एक्शन के ऊपर हम क्या करे होंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर या कोई भी चीज ऐसी रख रहे होंगे ताकि हम उस डाटे को प्रोसीजर करके हम उसको कन्वर्ट कर ले और अपने आईटी डिपार्टमेंट को वो डाटा कन्वर्ट करें ताकि हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा भी आ जाए। और अगर वो हमारे पास बंदा कस्टमर एज अ कस्टमर आ जाता है और हमें वो कहते हैं कि आप हमें सर्विसेज दे, तो हमारे पास वो पूरा डाटा एक लिंक्ड हो और जब हम उसे एक दो माह के बाद रिमाइंडर देते रहे। अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो अगर कोई बंदा इंश्योरेंस लेने जाता है या कोई हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के अंदर है तो वो डाटा उसका सेव कर लेते हैं, उसके बाद उसको बार बार इन्फॉर्म करते रहते हैं। आजकल तो ये वर्किंग जो हो रही होती है ये इसके अंदर भी हो रही होती है, अगर आप मोबाइल गाड़ी का चेंज करवाने जाए तो उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर आपका डाटा रख दिया होता है और आपसे पूछते हैं कि आप कितनी देर बाद, आप 3,000 किलोमीटर या 2,500 किलोमीटर कितनी देर बाद मुकम्मल कर लेते हैं, आपने कहा जी मैं 3 माह के बाद या 2.5 माह के बाद मैं इसको मुकम्मल कर लेता हूँ, तो वो उसके बाद आपको एक मैसेज भेज देते हैं, एक टाइम उन्होंने सॉफ्टवेयर पे लगाया होता तो वो मैसेज आपको आ रहा होता है कि आपको सर्विसेज हम मोबाइल को चेंज करवाने की जरूरत है तो आप हमारे पास आके चेंज करवा लें। लेट सी दी ब्लू प्रिंटिंग दी रेस्टोरेंट, इफ यू टॉकिंग अबाउट दी रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या हो सकता है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास रिजर्वेशन की बात करेंगे, पार्किंग की बात करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स की बात करेंगे। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, हम रिजर्वेशन कब करवाते हैं, उसकी डेट क्या है, कौन सी पार्टी है, टाइम क्या है, उसके अलावा अवेलेबिलिटी चेक की जाएगी जरा हम लाइन ऑफ विजिबिलिटी के अंदर कि हमारे पास जगह है क्या, हम उसको दे सकते हैं, अगर होगा तो हम रिजर्वेशन सिस्टम को मेंटेन करके उसको बता देंगे। दूसरे स्टेप के ऊपर हम क्या करेंगे, बंदा आया हमारे पास गाड़ी से उतरा, पार्किंग में गाड़ी लगाई, हम उसे ग्रीट करेंगे, ग्रीट करके अच्छे अल्फाज में उसको देखेंगे, उसकी गाड़ी को पार्किंग में लगा के उसको जनाब लेके आ जाएंगे अपनी फैसिलिटीज की तरफ या होटल के अंदर लेके आ जाएंगे। उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप के अंदर हम इम्प्लाई आ गया, उसके बाद हम उसे ग्रीट करेंगे, उसके बाद हम उसको बताएंगे ये हमारी ऑफर्स हैं जनाब, आप इधर आ जाइए, आपका रूम है, उसके बाद हम उसका रूम को हैंग करेंगे उसके कमरे के अंदर जाके, और उसके बाद विजिबल चेक नंबर उसको प्रोवाइड किया जाएगा और जितनी भी फैसिलिटी वगैरह उसको साथ साथ हम मेंटेन करते जाएंगे, अगर कोई सफाई वगैरह की जरूरत है या कोई वॉशरूम के अंदर साबुन वगैरह को देखना या कुछ चीज़ों को स्टडी करना तो वी कैन सी दैट। तो ये सारा रिलेटेड विद द रेस्टोरेंट है, अगर हम रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन से लेकर एट द एंड तक जाए कोर्ट रूम तक तो क्या क्या चीजों को हम स्टडी करते हुए लेके जा रहे हैं। उसके बाद इफ वी टॉकिंग अबाउट सेटिंग सर्विसेज स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट, देखें हर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ना कोई स्टैंडर्ड मेंटेन किए होते हैं। बेसिकली बात क्या है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग एंड क्रिएटिंग वैल्यू एडिशन। तो मार्केटिंग के अंदर हमने पहली बात है अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन में इन्वॉल्व करना है, उसे फुली सेटिस्फाई करना है। नंबर टू, सेटिस्फेक्शन के अलावा सेटिस्फेक्शन कब होता है, व्हेन वी क्रिएट डिफरेंशिएट फ्रॉम आवर कंपेटिटर, जब हम डिफरेंशिएशन क्रिएट कर लेंगे अपने कंपेटिटर से तो हम कहेंगे जनाब हम इस टाइम बेस्ट जा रहे हैं, हमने जो चीज़ क्रिएट करनी थी वो चीज़ क्रिएट की। तो हमने बेसिकली पहली बात इफ वी टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड, तो हमें सेटिंग करने पड़ेंगे स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी डाटा है जो के हाई टू सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व कर दे बिटवीन द कस्टमर, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, हमें अपने ऑब्जेक्टिव की मेजरमेंट करनी पड़ेगी कि व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव हम लेके चलें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारा मिशन विजन जो है स्टेट में वो रिलेट है विद अवर ऑब्जेक्टिव, क्या जो हमारा मकसद है क्या वो क्रिएट हो रहा है, क्या जो हम टाइमली जो देख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट सिस्टम को क्या वो हम लेके चल रहे हैं, क्या हम जो स्क्रिप्ट बना के चले अपने दिमाग के अंदर, या जो हम ये चीज देख रहे हैं कि हम इसको इस तरह स्टाइल के अंदर मैनिपुलेट करेंगे, क्या वो हम कर रहे हैं, क्या हम वो चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं जो हम ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट के अंदर डाल चुके हैं कि हमारे पास अगर KFC के अंदर कोई बंदा आता है तो उनके कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, कुछ टाइमिंगली चीजें लगी होती हैं, उस टाइम के बाद वो पैटी को भी जाया कर देते हैं, जो बर्गर के अंदर पैटी लगती है अगर वो टाइम से ऊपर हो जाएंगे, मैंने जाके तो अंदर जाके विजिट किए इसके अंदर तो मैंने देखा डोलेंट के अंदर कि एक पैटी की टाइमिंग है, फॉर एग्जाम्पल वो 3 घंटे की टाइमिंग है, 3 घंटे के बाद वो लाइट अगर रेड हो जाती है तो वो उठा के उसको डस्टबिन के अंदर फेंक दे, तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, तो आपको वो चीज को देखना है। उसके बाद आपकी टीम को, आपकी मैनेजमेंट को, आपके स्टाफ को जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के, दे कैन क्रिएट द परफॉर्मेंस टारगेट्स, वो मेंटेन करें परफॉर्मेंस को, जो परफॉर्मेंस आपने दे दी है, जो आपने बताई है कि ये हमारे टारगेट्स है। मोस्टली स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन द बैंकिंग सेक्टर या किसी भी सेक्टर के अंदर, तो आजकल टारगेट्स की बहुत अहमियत है कि जनाब आपने ये टारगेट अचीव करना, बैंकिंग के अंदर तो ये सेक्टर के अंदर तो बहुत ज्यादा आम हो गया, तो आपने ये चीज देखना है कि जनाब
ये टारगेट है हमारा, हमने इसको मीट करना है, इतना पैसा लेके आना है, इतना फ्लो करना है, इतना इनफ्लो करना है, तो आपको वो चीज को स्टडी करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस टारगेट को। और आपकी टीम जो आपके अंडर जा रही है, और आप एज ए मैनेजर, एज ए डायरेक्टर, किसी भी लेवल पे यू आर ऑलवेज क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होंगे आप ये टारगेट अचीव करने। तीसरी बात, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू कैन अवेल्युएट बेस्ड ऑन डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट। आपको टारगेट्स अचीव तो आपने करने करने हैं, लेकिन आपने अपने स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना है। ये नहीं है कि आपको कहा जाए जनाब आपने रेस्टोरेंट का जो एक कमरा है वो आपने 30,000 के अंदर एक नाइट पे बुक करना है, और आप वो कमरा जनाब आपका स्टैंडर्ड ही ये है 20 से 30 की रेंज में, और आप वो 10,000 में बुक कर देंगे, हमने टारगेट पूरा करना था हमने 10,000 का कर दिया। तो टारगेट तो मीट हो गया लेकिन स्टैंडर्ड मीट नहीं हुआ। तो आपको ये चीज में फर्क करना पड़ेगा कि वी आर वर्किंग ऑन बोथ थिंग्स, the one thing is related with the standards, the other thing is related with the target. तो आपने दोनों को साथ लेके चलना है, आपने टारगेट्स को भी साथ लेके चलना है, आपने दूसरी बात किस चीज को साथ लेके चलना है, आपने स्टैंडर्ड्स को भी साथ लेके चलना है। तो आपने दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि अगर आप इनको साथ लेके नहीं चलेंगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आपके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें वीकेंड फोर कॉस्ट की, तो आप देखते हैं कि सर्विस स्टैंडर्ड और टारगेट कैसे डिफाइन किए जाते हैं। तो पहली बात कि जब भी हम फोरकास्टिंग की बात करते हैं, जब मीडिया की बात करते हैं, जब भी कोई चीज़ आती है, तो उसके अंदर इम्प्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इम्प्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक बंदा जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो उसका कम्युनिकेशन का वे क्या है, जो बंदा बता रहा है फोरकास्टिंग के बारे में कि उसके पास नॉलेज कितना है, या जो चैनल बता रहा है क्या इसकी फोरकास्ट ठीक भी होती नहीं होती। तो इसके अंदर देयर आर द टू डिफरेंट थिंग्स, नंबर वन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी। तो अगर वो चैनल की क्वालिटी बेहतर है, अगर हमको लगता है नहीं नहीं जब भी ये CNN वाले या जब भी BBC वाले या जब भी ये जियो वाले बताते हैं तो इनका हमेशा ठीक होता है, हाँ फर्क आ सकता है क्योंकि चेंजिंग होती रहती वेदर फोर, लेकिन काफी हद तक ये ठीक देते हैं। तो अब कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर परसीव कर रहा है, परसेप्शन को क्रिएट कर रहा है कि हमारी इसकी जो सर्विसेज है पास्ट के अंदर, इसने मैं जब भी इसको सुनता हूँ जो ये कहता है बहुत कम चांसेस है कि वो चीज़ पूरी ना हो, तो ज्यादातर वो चीज पूरी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया और टारगेट भी मेंटेन किए। टारगेट इस तरह कि उसने कम्युनिकेशन करनी थी, उसकी कम्युनिकेशन बड़ी आला हुई, उसने जो नॉलेज डिलीवर करना था एंड कंज्यूमर तक वो उसने प्रॉपरली डिलीवर कर दिया, उसने जो कहा था उसने उसी तरह कर दिया। और स्टैंडर्ड कैसे कैसे उसने मीट किया कि उसका स्टैंडर्ड ये था कि वो जो बताते हैं वो 90% नहीं तो 80-85% उसी तरह होता है, बहुत कम चांसेस है कि बताएं कुछ और इम्प्लीमेंटेशन कुछ और हो। तो दूसरी बात हमने ये चीज देखनी है कि जनाब कि क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, फ्रॉम फोर लो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आर मैनेज अ सिंगल फेलियर कमिटमेंट फ्रंट स्टेज। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है फोरकास्टिंग का, हम जनाब अपना एक अंदाजा लगा लेते हैं कि जनाब हमने लोग तो हमारे पास आते हैं ना हमारे चैनल के ऊपर, हमारे चैनल को सुनते हैं, कमिटेड भी है, लेकिन हम उसको अगर इन्फॉर्मेशन फेक किस्म की देंगे, अगर हम उसको अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं फोरकास्टिंग का जो कि प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए था, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। एक बंदा 2-3 दफा तो शायद स्विच करे आपके चैनल पे, लेकिन उसको पता लग जाएगा नहीं भाई इनके स्टैंडर्ड हो रहा है टारगेट्स हो रहा है, ये टारगेट को मीट करने के चक्कर में अपने स्टैंडर्ड को कम्प्रोमाइज कर जाते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन चला देते हैं या किसी और चैनल को उठा के अपने पास ले आते हैं, तो ये चीज़ें भी इम्पैक्ट कर रही होती है आपके पास। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड की और टारगेट की कस्टमर सर्विस के अंदर, तो क्या होता है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है, ये साइड पे आपको एलिमेंट मिलेंगे जिसके अंदर कम्युनिकेशन भी आ जाएगी, कर्टसी भी आ जाएगी, क्रेडिबिलिटी भी आ जाएगी, कॉन्फिडेंशियबिलिटी भी आ जाएगी, उसके बाद लिसनिंग टू द कस्टमर भी आ जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस, अवेलेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। बेसिकली हम क्या कर क्या रहे हैं, द मेन स्टेप इज प्रोसेसिंग टाइम टू अप्रूव एप्लीकेशन। पहली बार हर चीज़ का एक टाइम आपको मैयर करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि जनाब हम इतने टाइम पीरियड के अंदर इस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे, हमारे ये स्टैंडर्ड्स हैं और हमारा टारगेट ये है कि इतना टाइम पीरियड को हमने यूज़ करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहली बार जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी कम होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के अंदर कस्टमर ये नहीं होगा कि आपने टाइम मैनेजमेंट को ऐसे लेके चलना है कि कस्टमर को क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट खराब, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी रिलेटेड विद आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपका टारगेट, आपका जो है इनपुट है वो ये है कि आपने 25 यूनिट्स बनाने हैं,
एक घंटे के अंदर, और आप मुझे कहते हैं सर नहीं मैंने तो 50 यूनिट बना दी एक घंटे के अंदर। हाँ यू आर मोर एफिशिएंट, लेकिन बात ये है कि उस 50 यूनिट के अंदर से अगर 40 यूनिट ही खराब आपने बनाए तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी जीरो है। आप तो अपना इनपुट पूरा नहीं कर सके, तो आपको जो टारगेट इनपुट का दिया गया था वो नहीं पूरा कर सके, तो आपने आउटपुट क्या देनी मुझे। तो बात इसी तरह है कि जब व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, तो हमने क्या करना होता है, हमने मैयर करनी होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये ना हो कि टाइम मैनेजमेंट के चक्कर के अंदर, जल्दी डिलीवरी देने के चक्कर के अंदर आप प्रोडक्ट का बेड़ा गर्क करके या सर्विसेज का बेड़ा गर्क कर दे, या नहीं जी हम 2 माह के अंदर बीकॉम की तैयारी सारी करवा देंगे, और 2 माह के अंदर आप 10-10 सवाल करवा दें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के, मनी बैंकिंग के, फंक्शन इंग्लिश के, और पता लगे उनमें से पेपर में कोई सवाल नहीं आया। तो बात ये है कि ठीक है टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के अंदर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन मुतासर नहीं होनी चाहिए। नंबर टू, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट के अंदर क्या जी 24 आवर्स के अंदर हम ये काम कर देंगे, तो डिफाइन करें ना सर्विस क्वालिटी गोल्स फॉर स्टाफ के, जनाब हमारे पास सर्विस क्वालिटी हमारी ये होनी चाहिए और हमारे स्टाफ का गोल ये अपने 24 घंटे के अंदर ये चीज अचीव भी करनी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ सर्विस क्वालिटी भी देनी है। और कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा, जब आपकी सर्विस क्वालिटी बड़े हाई लेवल पे होगी और जो आपने गोल्स बताए वो आप अचीव कर रहे होंगे। नंबर थ्री, 80% ऑफ ऑल एप्लीकेशन इन 24 आवर्स, डिफाइन प्रोसेस डिपार्टमेंट सर्विस गोल। अब हमने क्या किया, सेग्रीगेशन करते गए। पहले हमने वी आर टॉकिंग अबाउट दी, हमने टाइम के बारे में बताया, टाइम को एक्सप्लेन नहीं किया कि टाइम कितने में हम ये काम को कंप्लीट करेंगे। ये फैक्टर जो सारे नीचे लिखे हैं, रिस्पॉन्सिवनेस से लेकर लिसनिंग टू द कस्टमर तक, ये सारी चीजों को हम कैटर करना चाह रहे हैं, बट हाउ मेनी टाइम पीरियड। देन वी आर टॉकिंग अबाउट दी 24 आवर्स, हमने 24 आवर्स को क्या कर दिया कि जनाब हम एक दिन के अंदर ये सारी चीजों को अचीव करने की कोशिश करेंगे विद दैट फैक्टर्स के हम मेजर करेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और वी कैन डिफाइन द सर्विस क्वालिटी, और वी आर आल्सो डिफाइन ओवर स्टाफ गोल। उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट दी कि हमारी जो एप्लीकेशन की इम्प्लीमेंटेशन है वो 80% अगर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा हर प्रोसीजर को कि डिपार्टमेंटल आपका ऑपरेशन का डिपार्टमेंट है, आपका HR का डिपार्टमेंट है, आपका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, आपका सप्लाई चेन का डिपार्टमेंट है, वो सारे क्या हो इस चीज को कैटर भी कर रहे हो, जो गोल वगैरह आप डिफाइन कर रहे हो उसको हम लेके भी चाह रहे हो। तो उसके बाद हमारा टॉपिक रिलेट कर रहा होता है अगला रीडिजाइन। रीडिजाइन का जो टॉपिक है बेसिकली रीडिजाइनिंग हम क्यों करते हैं किसी चीज को, रीडिजाइन इसलिए करते हैं जब कोई चीज आउटडेटेड हो जाए, रीडिजाइन इसलिए करते हैं जब कोई कस्टमर सेटिस्फेक्शन ना हो, रीडिजाइन इसलिए करते हैं जब बार बार इंटरनल प्रोसीजर के अंदर प्रॉब्लम आ रहे हो, रीडिजाइन इसलिए करते हैं जब इंफॉर्मेशन एक्सटेंसिव एक्सचेंज के अंदर हो जाए, रीडिजाइन इसलिए कर रहे हैं जब डाटा हमारे लिए यूजफुल ना रह जाए, रीडिजाइन इसलिए कर रहे होते हैं जब हमारे कंट्रोल एक्टिविटीज वैल्यू जो एडिटिंग एक्टिविटीज की रेशियो हाई लेवल पे चली जाए, रीडिजाइनिंग हम इसलिए कर रहे होते हैं जब कस्टमर ये समझे कि आप इस कंडीशन के ऊपर नहीं है, या आपका जो वर्जन पहला है, अक्सर आपने सॉफ्टवेयर देखे होंगे एंड्रॉइड के ऊपर कोई गेम इंस्टॉल करें कुछ भी इंस्टॉल करें तो वो कहते हैं वर्जन 1.0, उसके बाद वर्जन 1.1, तो उसको चेंज करते हैं। क्यों, रीडिजाइनिंग इसलिए कर रहे होते हैं। आपका मोबाइल अक्सर रीडिजाइन हो रहा होता है, आपका मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर कह देता है जनाब अब ये वर्जन आ गया, अब ये वर्जन आ गया, ये क्या कर रहा होता है, पिछले के अंदर कोई रह जाते हैं, बग्स रह जाते हैं, प्रॉब्लम रह जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसको हम रीचेंज कर रहे होते हैं। तो हमने परफॉर्मेंस मेजर करना है, तो हमने इस चीजों को जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम रीडिजाइन अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो हमारे पास सर्विस फेलियर कम हो जाएगी, हमारे पास प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, हमारे पास कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगी, हमारे पास प्रोसीजर जो साइकिल होगा टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ तक का टॉपिक था हमारा आज से रिलेटेड जो था, तो किस तरह हमने इसको स्टडी किया कि बेसिकली रीडिजाइन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह इसको लेके हमने चलना है।